सब्सक्राइब कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन मास्टर चैनल को और साथ में दिया गया बेल आइकॉन दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कैसर और आप देख रहे हैं ऑनलाइन मास्टर। तो आज मैं वीडियो जो आपकी खिदमत में लेके आया हूँ वो यूट्यूबर के बारे में है। यूट्यूब की आज एक नई पॉलिसी आई है जो कि काफ़ी बैड न्यूज़ कह सकते हैं आप, नए यूट्यूबर के लिए भी और पुराने यूट्यूबर के लिए भी ये काफी खासी ये बैड न्यूज़ साबित हुई है। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो अब जो कह लें कि यूट्यूबर ने एक नई पॉलिसी आज 16 जनवरी 2018 में जो एक नई पॉलिसी लॉन्च की है वो ये है कि आपके चैनल को रिव्यू तब किया जाएगा जब एटलीस्ट आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर होंगे या आपके वीडियोस का वॉच टाइम जो है वो 4000 घंटे हर्ज होगा और ये कंडीशन आपने फुलफिल करनी है पूरे एक साल में। लास्ट 12 मंथ का आपका टोटल वॉच टाइम 4K हो या आपके 1000 सब्सक्राइबर हो तो आपके चैनल को रिव्यू किया जाएगा। और दोस्तों पहले एक दो साल पहले 2016 में तकरीबन कोई भी ऐसा रूल नहीं था। YouTube ने कोई भी बंदा चैनल बनाता था, वीडियो डालता था और मोनेटाइजेशन ऑन हो जाती थी, तो कोई ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज नहीं थी। तो दोस्तों ये 2017 अप्रैल में YouTube ने एक नई पॉलिसी बनाई कि किसी भी चैनल के व्यूज जो हैं वो अगर 10,000 होंगे देन ही उस चैनल की मोनेटाइजेशन की जाएगी, यानी उस चैनल को रिव्यू किया जाएगा कि ये एलिजिबल है मोनेटाइजेशन के लिए या नहीं है। तो अब आज ये तकरीबन काफी 1.5-2 माह से मोनेटाइजेशन सभी की रिव्यू जो चैनल होने के लिए गए हुए थे वो सभी रुके हुए थे। आज 16 जनवरी को ये एक नई पॉलिसी, नई न्यूज आई है यूट्यूब क्रिएटर की तरफ से। मैं ऑफिशियल जो लिंक है उनकी न्यूज का अनाउंसमेंट का वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो प्लीज उसको आप देख सकते हैं। और ये नए यूट्यूबर पे कैसे इफेक्ट करेगा और पुराने यूट्यूबर पे कैसे इफेक्ट करेगा इसको जानने के लिए मेरी वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखते रहिएगा। तो नए यूट्यूबर के लिए ये है कि यूट्यूब जो है वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा आवाम को दिखाना चाहता है जिसमें के जो 2 नंबरी कर रहे हैं, जो क्रिएटर ऐसे जाते हैं जिनके पास ना कोई यूट्यूब की वीडियो होती है ना कोई वॉच टाइम उनका होता है, उनको यानी जो फ्रॉड कर रहे हैं यूट्यूब पे बैठे क्रिएटर, उनको हटाने के लिए यूट्यूब ये पॉलिसी लेके आया कि आपके मोनेटाइजेशन के लिए एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और 4000 घंटे आपका वॉच टाइम होना चाहिए और ये एक साल प्रीवियस साल का जो है उस ड्यूरेशन में ये पॉलिसी आपका चैनल फुलफिल करता होगा देन ही आपके चैनल को रिव्यू किया जाएगा और ये आज की न्यूज है। और पुराने यूट्यूबर पे हम बात कर लेते हैं कैसे इफेक्ट करेगा। और पुराने यूट्यूबर पे ये 20 फरवरी 2018 तब ये पॉलिसी जो है ये अप्लाई होगी। और पुराने यूट्यूबर पे ऐसे अप्लाई होगी दोस्तों के जिनके चैनल पे पिछले साल के 4000 वॉच टाइम वीडियो पे नहीं है घंटे, उनसे मोनेटाइजेशन छीन ली जाएगी। और अगर 1000 सब्सक्राइबर भी वो एक साल में नहीं गेन कर पाए तो उनकी भी मोनेटाइजेशन अगर होना है तो वो भी छीन ली जाएगी। और जब नेक्स्ट वो इसको मेंटेन करेंगे अगले साल, अगर वो 1K सब्सक्राइबर कर लेते हैं या उनकी जो वॉच टाइम है वीडियोस का 12 माह के अंदर अंदर 4K हो जाता है, देन उनको दोबारा मोनेटाइजेशन रिटर्न की जाएगी। तो ये पॉलिसी जो है ये गूगल ने आज अनाउंस की है, 2 कंडीशन रखी हैं। और ये गूगल ने दोस्तों मजबूरी में किया है कि बहुत ज़्यादा फेक क्रिएटर जो थे वो उन्होंने रच डाला हुआ था, जिनकी ना कोई वीडियो क्वालिटी होती थी ना कोई कंटेंट की क्वालिटी होती थी, इसलिए उन्होंने इनको हटाने के लिए ये एक कंडीशन दी है। अब यानी ये पता चलेगा कि कौन इस प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे रहता है, बचा रहता है। यानी ये तो आपको पता है चंद लोग होंगे जो क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, वही आगे अब नेक्स्ट फॉरवर्ड
मूव कर सकेंगे। तो ये एक रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी की न्यूज है जो आज YouTube क्रिएटर की तरफ से मिली है, जो इतनी देर से मोनेटाइजेशन के लिए चैनल रुके हुए थे उन्होंने ये पॉलिसी बताई है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दें, और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए, टेक्नोलॉजी वीडियो के लिए, टेक वीडियोज के लिए दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।